बच्चा ध्यान से समझना, ठीक है। ओपन कर रहे हैं पाइथन की आइडियली, ठीक है। इसमें स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ये, तो चलिए ये समझते हैं स्ट्रिंग के बारे में। हालांकि एक वीडियो मैंने स्ट्रिंग के ऊपर डाला है, थोड़ा सा और भी इसको मॉडिफाई करके डाल रहा हूं। अब देखिए इसमें जैसे मान लीजिए कोई भी वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बना लेता हूं str1, ठीक है, str1 लिखा। और यहां पर क्या करेंगे, str1 में स्टोर कराते हैं कुछ। जैसे मान लीजिए मैं स्टोर कराता हूं अपने सिटी का नाम, तो ये हमने कर दिया देवरिया, ठीक है। और देवरिया में हमारे अभी तो काफी बड़े ओहदे पे हैं जिनका इंस्टीट्यूट मैं चलाता हूं, तो ये मैं कर देता हूं str2। और str2 में उन्हीं के इंस्टीट्यूट का नाम, जो इंस्टीट्यूट मैं चलाता हूं, वो इंस्टीट्यूट यहां पे डाल देता हूं, द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये डाल दिया हमने। और अब मान लीजिए कि इसको प्रिंट करवाना है, भाई लिख देने से थोड़ी ना प्रिंट हो जाएगा, लिख देंगे सेव कर देंगे तो ये प्रिंट होगा, प्रिंट थोड़ी ना होगा, ये तो बस कोई भी आउटपुट आएगा ही नहीं। जब सेव करेंगे तो भले ही आपका प्रोग्राम सही हो, लेकिन प्रिंट लिखेंगे तब ना प्रिंट होगा। तो यहां पर आते हैं, अब देखिए यहां पर मैं इसे str ही नाम दे देता हूं, str.py लिखना जरूरी है, पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है। अब ये तो कर दिया, लेकिन पहला सवाल यही है कि सर ऐसे ही प्रिंट करवा दीजिए, तो इसे कहां से प्रिंट होगा, प्रिंट लिखिए तब ना प्रिंट होगा। अब दूसरी बात ये है कि अगर प्रिंट लिखते हैं तो एक बार रिपीट, देखिए इटरेशन कंट्रोल स्टेटमेंट या लूप के थ्रू रिपीट कराना चाहे तो लूप के थ्रू भी आप करा सकते हैं, लेकिन लूप के थ्रू नहीं कराना चाहे, खाली प्रिंट लिख के कराना चाहे तो भी उसका उपाय दीजिए। तो बैठे हुए हैं तो ये उपाय क्या है, तो देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, दोनों जो ये स्ट्रिंग है इसको कॉन्केटिनेट करके दिखाता हूं, ठीक है। कैसे कॉन्केटिनेट करेंगे, एक्सेल में तो कॉन्केटिनेट किया, गूगल शीट में किया, लिब्रा कैल्क में किया, इसमें कैसे कॉन्केटिनेट करेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं कॉन्केटिनेशन, पर क्या करता हूं कि इसको डबल ट्रेड कोर्स को क्लोज कर देता हूं, ठीक है। डबल ट्रेड कोर्स ओपन होगा फिर क्लोज होगा, आप सिंगल ट्रेड कोर्स में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पर डबल ट्रेड कोर्स सिंगल ट्रेड कोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इतना कर लेने के बाद यहां पर एक तो बैक स्लैश एन लगा देता हूं ताकि लाइन चेंज होती रहे, तो ये बैक स्लैश एन लगा दिया। और अब क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, किसको जोड़ेंगे, str1 को। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है str1 ये हो गया, और फिर प्लस करिए, अब यहां पे करिए str2, तो दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको बंद करते हैं, बंद कर दिया, और बंद करके अब एंटर करते हैं, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, ठीक है। और जुड़ने के बाद अगर आप गुणा भाग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिए, ये तो जोड़ दिया मैंने, यहां पर लिखता हूं प्रिंट, ठीक है। एक बार मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं कैसे होगा, तो यहां पे लिखता हूं मैं डुप्लीकेशन, अब ये डुप्लीकेट ही तो बनेगा, डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने डुप्लीकेशन ऑफ स्ट्रिंग, और ब्रैकेट को क्लोज किया, कॉमा दिया, और यहां से बैकस्लैश एन प्रेस करेंगे, ठीक है। क्या प्रेस करेंगे, बैकस्लैश एन, जैसे ऊपर मैंने किया था बैकस्लैश एन लाइन चेंज कराने के लिए। और यहां पर चूंकि हमने एक कॉमन नाम दे रखा है str1 str2 ऐसे दिया है ना, str तो कॉमन है, तो अभी मैं क्या करता हूं str2 को मल्टीप्लाई करवा देता हूं 3 से, ठीक है। तो यहां पे लिखता हूं मैं str2 × 3, चलिए 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, देखते क्या होता है। तो ये 4 से हमने करा दिया इसको मल्टीप्लाई, अब होगा क्या, इसका परिणाम क्या आएगा, आइए देखते हैं। अभी इसको क्लोज करता हूं, और क्लोज करने के बाद सिंपली यहां फाइल पे चलते हैं और यहां सेव पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, पहले से str.py के नाम से मैंने सेव कर रखा है। अब यहां पर इसको रन करवाते हैं, देखते क्या आता है, एरर आता है क्या आता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये रिजल्ट आया हुआ है, यहां पर मैंने दिया था। अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर लेता हूं, अब साइड में भी आपको कोड भी दिखता रहेगा तो थोड़ा बढ़िया रहेगा ना। तो ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कॉन्केटिनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स, तो यहां पर मैंने पहले स्ट्रिंग में देवरिया दिया था, तो देवरिया लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए यहां पे ऊपर देखिए ये देवरिया द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये लिखा हुआ आ रहा है ना, दोनों एक साथ आ रहा है कि नहीं, कॉन्केटिनेट कराया तो कॉन्केटिनेशन हो रहा है, अब डुप्लीकेशन किया तो द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, द साइन, तीन बार, अब देखिए ये कितनी बार आ रहा है, चार बार आ रहा है, एक बार देखते हैं फिर से, द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 1 टाइम, द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 2 टाइम, द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट 3 टाइम,
और ये द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फोर टाइम. तो ये चार बार हम इसको डुप्लीकेट करा चुके, मतलब चार बार इसको रिप्लीकेट करा चुके हैं. अगर आप यहां पे फाइव लिख देंगे तो पांच बार रिप्लीकेट हो जाएगा. ठीक है, ये देखिए यहां पे गए, यहां पे फाइव लिख दिया. ठीक है, और अब इसको सेव कर देता हूं. तो ये देखिए, तो ये सेव हो गया. अब यहां से इसको रन करवा देता हूं. ठीक है, तो ये देखिए, ये रन करवाया. तो अब देखिए दोबारा जब रन हुआ है तो पांच बार रिप्लीकेट हुआ है. देखिए ये द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट वन टाइम, द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट टू टाइम, द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट थ्री टाइम, द साइन इन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट फोर टाइम, और ये देखिए लास्ट फाइव टाइम. तो इस तरीके से करके आप डुप्लीकेट या रिप्लीकेट करा सकते हैं किसी भी वैल्यू को, और स्ट्रिंग को यूज करने के और भी फायदे हो सकते हैं. तो आई होप कि ये स्ट्रिंग वाली वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.